That's good. We are sorted. Sorry for this little chaos. It happens because, you know, it's required. What's your name? A, B? Yo. All right. Mehek, Sonali, Akshita, Shama. C? Yes, sir. How many of you guys are here? No. Yeah, put one person here. Meeta, you come here. फिर पूरी गर्ल्स हो जाएगी वन मैन भी रिक्वायर्ड चल सर सबसे पहले आपका नाम सर राजेश बापोद्रा राजेश बापोद्रा आज के इवेंट के बारे में ये किस तरह का इवेंट क्या है इस सब वॉइस ट्रेनिंग का इवेंट है जो आज जो भी चीज़ हम देखेंगे तो पहले आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए फिर आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी होने के लिए आपको क्या चाहिए आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए तो ये आवाज़ को सुधारेंगे और इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल मैगजीन बी एट्रैक्टिव आई एम अ फाउंडर ऑफ बी एट्रैक्टिव एंड विवाज वॉइस एकेडमी वन्ना सेन गुप्ता शी इज़ अ फाउंडर ऑफ वॉइस एकेडमी वी केम टुगेदर एंड वी आर हेल्पिंग पीपल टू बी एट्रैक्टिव थ्रू देयर वॉइस दैट इज़ आवर मिशन कितने लोग हैं कितने सेमिनार अभी तक कर चुके हैं आप अभी तक ये सेकंड वॉइस के रिलेटेड हमें सेकंड सेमिनार है हम लोग का इससे पहले हम लोग ने बहुत सारी इवेंट किए लेकिन वॉइस की इवेंट में ये सेकंड इवेंट है और हम लोग आगे भी ऐसी इवेंट करना चाहते हैं हमें इंडिया को अट्रैक्टिव बनाना है दैट इज़ आवर विजन है और मोदी जी के साथ में हम लोग को एक इंडिया अट्रैक्टिव इंडिया के यू नो लोगों इंडियन लोग को अट्रैक्टिव बनाना है आपको क्या लगता है कि वॉइस सुधारी जा सकती है और कितना सुधार आता है इसमें किस तरह की वॉइस पूरी वॉइस के ऊपर ही पूरा आपका सब कुछ निर्भर रहता है वॉइस एक दिन में सुधर सकती है आप अच्छी तरह से आपके पास ट्रेनर हो आप कोई अच्छे यू नो आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए और दैट देयर वेयर वी स्टैंड वी आर हेल्पिंग पीपल टू बी अट्रैक्टिव बाई देयर वॉइस सेमिनार में किस तरह के लोग आए हैं हाउसवाइफ है टीचर हैं या कौन है? बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं आप देखोगे तो सेमी गवर्नमेंट के सीईओ भी आए हुए हैं ओके एक्ट्रेस के मदर फादर भी आए हुए हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं और अपनी कोई भी प्रोफेशनल में जाएंगे वो अपनी आवाज़ को निखार के एक अलग तरह से अपनी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं किस तरह से पॉसिबल है आप कैसे इसको सेमिनार को एडिट कर रहे हैं किस तरह से सिंपली इट्स सिंपली देर आर फ्यू एक्सरसाइज विच विल टेक यू टू आपकी आवाज़ को निखार देगी दैट इज़ आवर मेन मिशन उसके बाद में तो क्या कुछ आदमी को आज आपको एक कहीं पे भी आपको प्रोग्रेस करनी हो तो एक प्रोग्रेस के लिए आपके जो आपके पास प्रोग्रेस के लिए जो एक होना चाहिए जो आपकी आवाज़ में दम है तो आप ऑटोमेटिकली सबको लवेबल पर्सन बन सकते हो राइट इसका अपना तरीका क्या अपना है तरीका सिंपल है हम लोग को लोगों को एक एजुकेट करना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ से आप बहुत सारे यू नो यू कैन चेंज आप सोसाइटी में चेंज दे सकते हो और आप अच्छे खासे आपकी पोस्ट और आपका जो भी प्रोफेशनल है उसमें आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हो आपकी सैलरी अच्छी आप परफॉर्म अच्छा कर पाते हो आप डील अच्छी क्लोज कर पाते हो आपके साथ में और कौन है जो साथ में है जो लोग आपके साथ में मेल फीमेल दोनों है हाँ कौन मेल फीमेल आपके साथ जो भी हाँ शी इज़ वन्ना सेन गुप्ता शी इज़ अ फाउंडर ऑफ विवा वॉइस एकेडमी ओके एंड वी केम टुगेदर एंड वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ दैट्स इट आवर एम क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर एक को अपनी आवाज़ के ऊपर काम करना चाहिए जब तक आवाज़ के ऊपर काम नहीं लोगों ने किया है आपको पता नहीं आप कितने आपकी आवाज़ निखरने के बाद आप कहीं से कहीं पहुँचे आप हर एक जगह पे आप अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो थैंक यू हाँ मेरा जो बी एट्रैक्टिव डिजिटल मैगजीन है उसके अंदर हम बहुत सारे एवरीडे पोस्ट डालते हैं लोगों को एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए टिप्स देते हैं हाउ टू यूज़ दैट दुनिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव है उसके बारे में बात किया जाती है सो इट्स बेसिकली इट्स ए डिजिटल मैगजीन ओके लोगों को एक लाइफस्टाइल दिखाई जाती है ये जो सेमिनार है अपने आप में बिल्कुल अलग है हाँ तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है कि करना चाहिए ऐसा या फिर कुछ न कुछ एक्चुअली ये एक जब इस स्वच्छ भारत की बात हो रही थी
तो मैं सोचा कि लोगों की जो अंदर की आवाज़ है उसको क्यों ना अच्छी निखारी जाए, उसके लिए वो एक इट्स अ मिशन ऑफ इंडिया को एकदम एट्रैक्टिव बनाने का मिशन है. I'm sorry, I've got a question. And nice to people, so it's basketball, throwball, cricket ball. Thank you so much. I'm Shama. I work as a volunteer with the which I have is a school bag, and it reminds me of my childhood days. Oh, thank you, Shama. Satish. Yeah, I'm Satish, and I'm actually a mental case who passes off as a mentor to most people. All right. So I have my own self appointed cardboard friend philosopher guide to whoever wants me as a friend philosopher guide. I'll let you guess what I have on this card. It reminds me of two very important people in my life, you know, my wife and my daughter. Because they are never listening to me, but they are always talking. मैं वंदना सेन गुप्ता. एक सेकंड, सॉरी कट. मैं वंदना सेन गुप्ता. आई एम अ वॉइस कोच और वीवा वॉइस अकेडमी मेरी अकेडमी है, जहाँ वी डील विद वॉइस एंड लोगों को हम सिखाते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ योर वॉइस इफेक्टिवली फॉर योर प्रोफेशन. आज के इवेंट की अगर बात करें, किस तरह का सेमिनार है? अपने आप में अलग है काफ़ी, क्या है? अलग नहीं, काफ़ी अलग है, बिकॉज वॉइस के साथ, स्पेशली वॉइस के साथ कोई डील नहीं करता है. हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट हियर आई ओनली डील विद वॉइस. तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन बी अट्रैक्टिव एंड वीवा वॉइस अकेडमी. और हम लोगों को, वी हैव गॉट अ वेरी गुड क्राउड, और यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं. मुंबई एक मेट्रो शहर में अक्सर प्रॉब्लम होती है, बाहर से लोग आते हैं, अपनी जो खुद की लैंग्वेज होती है भूलकर, मराठी, गुजराती, सब तरह के लोग रहते हैं, तो कितना मुश्किल है, लैंग्वेज कितनी बिगड़ जाती है आपके हिसाब से? एक तो बिगड़ जाती है, वो बात एक है, और पहले से ही क्या होता है, जैसे कोई गुजराती बोलता है, उसे हिंदी बोलनी है, तो उसकी हिंदी में गुजराती आ जाएगी, उसकी हिंदी में मराठी आ जाएगी, उसकी हिंदी में पंजाबी आ जाएगी. तो यस, उसे हमें अलग करना है, हमें उनको सबसे पहले भाषा के साउंड्स जो होते हैं वो अलग करने हैं, हिंदी के साउंड्स अलग और गुजराती के साउंड्स अलग, ताकि जब वो हिंदी बोलें तो उसे हिंदी की तरह बोलें. जैसे बहुत सारे यूपी साइड से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको श और सा का ज्ञान नहीं होता है, वो अगर बोलेंगे शाम तो वो उसको बोलेंगे साम. सो वो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि उनको सबसे पहले साउंड समझ में आ जाए कि श अलग होता है और स अलग होता है, और उसे मिक्स ना करें. नाश्ता है, नाश्ता, बहुत सारी ऐसे एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे जैसे चाय है तो उसको चाय ना बोल के कुछ और बोल देना. तो हम एक एक शब्द को, हमारे पास इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, हम बहुत सारी पैसेज रीडिंग्स करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसके बाद एक एक शब्द हमें समझ में आने लगता है. जैसे मैम अभी सेलिब्रिटी हैं, उसके बाद कोई बड़े नेता हैं, बड़े प्रोफेशन हैं, उनको भी इस तरह की लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम आती है बोलने में, कि शाह को सही बोलने में, बड़े बड़े भाषण में अगर देखा जाता है काफ़ी इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है. ध्यान नहीं, बट इट्स अ गुड न्यूज़. नहीं, उनके लिए मैसेज तो मैं दूंगी ही ज़रूर, बट गुड न्यूज़ इज़ दैट वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं. हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं पॉलिटिशियंस के पास से, यू नो, कि उनका स्पीच है मैम, कैन यू करेक्ट, यू नो, उनका कुछ जो भी उनका कुछ फंक्शन है या जहाँ उन्हें कुछ बोलना है, तो हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं, हमसे टिप्स लेते हैं, हमसे लेसन्स लेते हैं, वो तो हम उनको भी कंसल्ट करते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं. मीठी ज़बान के लिए मैम सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो इसका एक ही सॉल्यूशन है. हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो हमारे हैं, हम उसको टच करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को. जितने भी हमारे 9 रस हैं, हर रस को हम
उनको समझाते हैं अलग अलग, फिर हमें उनको ये बताते हैं कि वो रस अलग है, ये रस अलग है, फिर वो जब उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बात को इस तरह कहना चाहिए, फिर वो उसको अगर जो बात अच्छी तरह से कहनी है उसे अच्छी तरह से कहते हैं, और क्योंकि अब उन्हें इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होती है तो इस तरह से हम उस पर काम करते हैं। टिप्स दे रही थी कि वर्ड में भी कुछ होता है, कि वर्ड के अंदर भी कुछ निकलता कुछ है, लिखा कुछ है। एग्जैक्टली उसके बारे में आप क्या? उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इट इज़ नॉट वॉट यू से इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हाउ यू से इज़ इम्पॉर्टेंट। बात तो कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है, ख़राब बात भी आप बोल दें किसी को, पर उसको अच्छी तरह से बोले तो सामने वाले को समझ में आ सकता है। इट इज़ द टोन ऑफ योर वॉइस। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से, आपको कब लगा कि ऐसे करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, मुश्किल तो है, बट वॉइस इज़ माई पैशन। पिछले एक साल पहले वीवा की शुरुआत हुई, वीवा वॉइस अकेडमी इज़ ओनली 1 ईयर ओल्ड। उससे पहले मैं काफ़ी वॉइसिंग करती थी, रेडियो टेलीविज़न में अपनी आवाज़ देती थी, बहुत सारे वॉइस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। पहले मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम नाउ कि मुझे अब ट्रेन करना है औरों को, यू नो, जो भी मैंने सीखा है मैं उसे औरों के साथ बांट सकूँ और वो जिस तरह से आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहिए लोग भी कर सकें। एंड इट इज़ अ मूवमेंट, ये सिर्फ वीवा इज़ नॉट ओनली एन अकेडमी बट इट्स अ मूवमेंट। हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। आपके दिल में हो कि ऐसा, ये तो बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, कोई आके हमें कुछ ऐसा लगे कि कभी आपको लगा हो पर्दे पे कि जज किया आपने गलत है? बहुत चीज़ें, क्योंकि आई एम अ वॉइस ट्रेनर तो मुझे गलत शब्द पहले सुनाई देते हैं, यू नो। अगर सिखाना चाहेंगे, अगर आप किसी से ना कहें तो मैं ये बात कह दूँ, द थिंग इज़ मैं रियली, क्योंकि हम बहुत चीज़ें आजकल मीडिया में सुनते हैं, तो कम से कम लाइफ में एक बार मोदी जी को ज़रूर देना चाहूँगी। आई रिस्पेक्ट एंड लव आर प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ डूइंग सो मेनी थिंग्स। एक बार बस मैं उनसे एक मीटिंग में कहना चाहती हूँ सिखाने के लिए कि आवाज़ से आप जीत तो रहे हैं वो दुनिया को, हमारे दिलों को, बट और कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम, मैंने और राजेश ने ये भी सोचा कि लेट्स ट्रांसफॉर्म इंडिया। वो कैसे इंडिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो हम वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया बाय ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, बाय मेकिंग देम अट्रैक्टिव, कि उनकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है, और बॉलीवुड में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अभी आपने छोटी सी शुरुआत की है जी, इसके साथ बॉलीवुड भी जुड़ता चले जाएंगे कोई ना कोई जी, तो आपकी नज़र में सबसे अच्छी वॉइस किसको मानते हैं आप, वॉइस का बादशाह कौन है? ऑफ कोर्स अमिताभ की आवाज़ तो है ही अच्छी, बट अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो विद्या बालन है, हर वॉइस इज़ ग्रेट, बहुत ही, एज़ अ वुमन मैं कहूँगी, शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड उनकी आवाज़ से उनकी पर्सनैलिटी झलकती है। उस तरह से अगर आपको याद होगा रेखा, शी वॉज अ ग्रेट फिल्म एक्ट्रेस, शी इज़ अ ग्रेट फिल्म एक्ट्रेस एंड उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत ही पसंद है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कोई सेलिब्रिटी जरूर नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। और हालांकि शुरुआत हो चुकी है, बहुत से फिल्म टीवी सीरियल्स के एक्टर्स हमारे पास आते हैं अपनी वॉइस करेक्शन के लिए, और बहुत जल्द नॉट ओनली सेलिब्रिटीज बट एवरीबॉडी, पूरा नेशन को हमें सिखाना है और पूरी दुनिया को हमें आवाज़ के बारे में बताना है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आपका नाम? तहीती। आप सेशन में, सेमिनार में अटेंड किया, आपने कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अब पता चला कि मैं अपनी वॉइस को किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास में कैसे बात करना और कैसे अपने थॉट्स को बताना कि मुझे, मेरी टीचर को, और मुझे बहुत सारी टिप्स मिली हैं अभी वीवा वॉइस एकेडमी से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। क्या टिप्स है, थोड़ा शेयर करेंगे अपने दर्शकों से? बहुत सारे टिप्स है कि हम अब एक वॉइस को एक नया आइडिया दिया है, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि बस आवाज़ एक छोटी सी चीज़ है, पर अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है और हम उसी से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। सो मैंने ये सीखा और ये कुछ छोटी टिप थी। इसके अलावा आप सीख के आगे भी लोगों को बताएंगे? ऑब्वियसली मैं वीवा वॉइस एकेडमी के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। किस उम्र के स्टूडेंट हैं आपका? कहा जाए तो
6 साल से लेकर 60 साल के स्टूडेंट्स मेरे हैं. इवन रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे 60 इयर्स एंड अबव मुझे ज्वाइन करते हैं. और उसके बाद उनके पास लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है, क्योंकि वॉइसिंग एक पैरेलल करियर बन सकता है कभी भी आपके जीवन में. तो दैट इज़ देयर. 6 साल से 60 साल के कोई भी माइंडसेट के लोग, कोई भी प्रोफेशन के लोग, एनीबॉडी कैन ज्वाइन वीवा वॉइस अकेडमी. किसी का भी नहीं करता, तेरे को पता है कि मैं कितना बड़ा बेकार हूँ. मुझसे भी बड़ा बेकार आदमी है ना. उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स देख लो ना. आई लव बीवा. आई लव बीवा. कांटेक्ट मी, आई विल टेक यू. यू नो व्हेन दे लव, इट्स सो नेचुरल, बट दे रियली, यू हैव टू लाइक रियली लाफ इन द स्टूडियो. दूसरी गंज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी. बस इतना जानता हूँ कि मार्केट में इस वक्त इसकी लाखों कॉपीज अवेलेबल है, इसलिए मैंने रेबेका को यहाँ शॉप में बुलाया. Okay, so here when just to it's a live example for all of us, you know, Ajit, you should listen to this when I say, when Ajit is coming from that part of the country where his Hindi is overpowered by his mother tongue. So even Amar had that problem, you know, his Hindi was overloaded with Punjabi, but with his hard work he could separate his Hindi and Punjabi, you know. So his language is super good now, and History Channel has awarded him for his work.